एफआईआर लॉन्च हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो उसको एक्ट लगा, पॉक्सो एक्ट का मतलब समझते हैं, एक घंटे 24 घंटे के अंदर मुजरिम को गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद जांच हो। अगर वो ये साबित करते हैं कि वो सही है तो फिर हमारे खिलाड़ियों पर 182 में केस करें। साथ में बैठ करके कहते हैं रशिया को कि यूक्रेन की लड़ाई बंद करा दो, तो क्या वो कर्नाटक में बैठ के ये नहीं कर सकते होम मिनिस्टर को, जाओ पुलिस को भेजो और जो है उस भूषण को अरेस्ट कर। जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है, अब जवाब देगी सांसद को अरेस्ट कर करके। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो ये जन आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगी और आने वाले 2024 आपको दिखा देगा कि आप सत्ता में नहीं, अब हमें नया विकल्प की जरूरत है। और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो सब गोली का शिकार हो जाए, क्या यहाँ 100-200 लोग शहीद होंगे तो आप आवाज सुनेंगे? तो सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दुआ साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी देश की महिला पहलवान जो है पिछले 22 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई हैं, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और बहुत जल्द बृजभूषण के हाथों में हथकड़ी होगी, ये मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूँ। सरकार जो सपोर्ट कर रही है वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है, और उसका नतीजा आपने देखा कर्नाटक और अन्य चुनावों में। तो ये जो हमारे खिलाड़ियों का सम्मान है, ये न सिर्फ खिलाड़ियों का बल्कि भारत के तमाम लड़कियों का, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ व्यभिचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश से 21 औरतें लड़कियां हमारी गायब हैं, हमारे केरला से लड़कियां 30,000 लड़कियां गायब हैं, जो रिपोर्ट सरकार दे रही है, हमारी नहीं है, सरकार की रिपोर्ट है। तो भारत के तमाम राज्यों से जो लड़कियां गायब हो रही हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, उसके साथ जो व्यभिचार हो रहा है, उस पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार अपनी कुर्सी के लिए कुर्सी का खेल खेल रही है। जनता समझती है और जनता अब जागरूक हो गई है, और इसका जवाब जो अभी कर्नाटक चुनाव में दी है, और हमारे होम मिनिस्टर को चाहिए 23 अप्रैल 2023 से जो महिला पहलवान लगातार जो जंतर मंतर पे धरना दे रही है और अमेरिका का गुहार लगा रही है, और जो कहा जा रहा था कि मोदी जी जो बेटी के सम्मान की बात करते हैं और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था वो कभी बेटियों के सम्मान में उन्होंने इसमें तक नहीं किया, तो क्या और लोगों का कहना था कि वो कर्नाटक के चुनाव में वो बिजी है, वो केरला स्टोरी के प्रमोशन में लगे हुए थे, लेकिन अब तो कर्नाटक का चुनाव हो सकता है, क्या लगता है कि वो मोदी जी कुछ अपनी चुप्पी खोलेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री चाहे वो कर्नाटक में हो चाहे पेरिस में हो, हर मिनट वो जनता और देश के सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े होते हैं। वो कहीं भी बैठ के जब बाद में बैठ करके कहते हैं रशिया को कि यूक्रेन की लड़ाई बंद करा दो, तो क्या वो कर्नाटक में बैठ के ये नहीं कर सकते होम मिनिस्टर को, जाओ पुलिस को भेजो और जो है उस भूषण को अरेस्ट कर? तो बृजभूषण को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, उसका जो राज है उसके सीने में दबा हुआ है, वो राज खुल ना जाए, बीजेपी के बहुत सारे लीडर जेल ना चले जाएं, उनकी बदनामी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उस पर पर्दा डाला जा रहा है। तो अब हम मांग नहीं कर रहे, अब तो हम हक लेके रहेंगे, बृजभूषण को अरेस्ट करवा के रहेंगे, और हमारी ये आंदोलन न सिर्फ जंतर मंतर पे, ये भारत की आंदोलन हो गया है, और पूरे भारत में अब ये चिंगारी जो फूटा है वो एक आग के रूप में आ गया है। अब तो प्रशासन जो है काफी एक्टिव हो गई है, कई राज्यों में वो जो है साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है, तो क्या लगता है कि आप बहुत जल्द? भाई, अगर आप एक एक गांव की लड़की या किसान की लड़की या एक स्टेट की लड़की के साथ ऐसा होता है या लड़का कोई करता है तो आप उसको अरेस्ट कर लेते हो? कुत्ते बिल्ली की केस अगर नेताओं की होती है तो आप फौरन 2 बजे रात में कोर्ट कचहरी लग जाता है, और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है तो आप जांच की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आपने एफआईआर लॉन्च हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो उसको एक्ट लगा, पॉक्सो एक्ट मतलब समझते हैं, एक घंटे 24 घंटे के अंदर मुजरिम को गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद जांच हो। अगर वो ये साबित करते हैं कि वो सही है तो फिर हमारे खिलाड़ियों पर 182 में केस करें। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जिस पे भी एफआईआर दर्ज हुए हैं वो 24 घंटे के अंदर या 2 से 4 दिन के अंदर में अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन क्या वजह है? अगर अरेस्ट करने में देरी भी हुई है तो किसी कारण हुआ है, अगर कोई विदेश चला गया या कोई ऐसी जगह, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इसका कुछ नहीं है, ये सरकार का संरक्षण है, ये पावर का गेम है, कुर्सी का गेम है, और जो है बृजभूषण को बचाने का ये गेम है, और वो जितने लोग जो उसमें
संक्षिप्त हैं उन सब पे पर्दा डाल के बचाने का गेम है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है, अब जवाब देगी। और यही जवाब जो आज जो स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है राहुल जी जीत गए, खड़गे जी। मैं कहा कि राहुल जी खड़गे जी नहीं जीते, कांग्रेस नहीं जीता है, कर्नाटक में जनता जीती है, जनता ने बीजेपी को हराया है। वहाँ अगर कोई हारा है तो मोदी जी और अमित शाह हारे हैं, नड्डा साहब हारे हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी है, पार्टी नहीं। पार्टी के तो लोग भ्रष्ट लोग थे ही, जनता ने हारा। तो ये जो है जिम्मेदारी जो आज हमारी बहु बेटियों के साथ हो रहा, इसकी जिम्मेदारी हमारे खेल मंत्री को, हमारे गृह मंत्री को लेना चाहिए और तत्काल उस सांसद को अरेस्ट कर करके हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो ये जन आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगी और आने वाले 2024 आपको दिखा देगा कि आप सत्ता में नहीं, अब हमें नया विकल्प की जरूरत। भाजपा सांसद ब्रजभूषण का बयान 2 दिन पहले प्रशासन के सामने हुआ है, उन्होंने जो जितने भी आरोप लगे हैं उनको कहा कि ये सब बेबुनियाद है। और वहीं एक तरफ बहनें जो है वो कहती हैं कि अगर हमारा भी चाहें तो नार्को टैक्स ले सकते हैं। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है, वो भी अपना दावा कर रहे हैं, ये भी अपना दावा कर रहे हैं, क्या लगता है? हर कोई चोर, हर कोई जो है मुस्लिम अपने को बचाता है, कोई नहीं कहता मैं मर्डर किया, कोई नहीं कहता मैंने रेप किया। तो जो टेस्ट है उनके, जो हमारे सबूत हैं, हमारे पास जो वीडियो हैं, हमारे पास जो फोटोग्राफ हैं, उन सबको दिया गया है, पुलिस उसको किया है, उसको देख करके ही सुप्रीम कोर्ट ने FIR का लॉज का आदेश दिया। आज जो है पुलिस ने भी एक्शन ले रहे हैं, सारा बयान हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतना देर क्यों हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जंतर मंतर पे मच्छर खा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रहा है, वो जो है धूप में चल रहे हैं, ये आप इस आंदोलन को आगे क्यों बढ़ाना, क्या साबित करना चाहते हैं? ब्रजभूषण शरण जी को अगर अरेस्ट कर लिया जाता तो मामला खत्म था, आंदोलन खत्म हो जाता। तो आंदोलन आप बढ़ाना चाहते हो, नासूर बनाना चाहते हो, आप किसान आंदोलन करा के 900 किसानों को मरवा दिया, क्या यहाँ भी खिलाड़ी और हमारे जो समाज सेविक और जो लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो सब गोली का शिकार हो जाए? क्या यहाँ 100-200 लोग शहीद होंगे तो आप आवाज़ सुनेंगे? तो ये हमारा जो है सेकुलर देश में ये नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आवाज़ उठाया है तो उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर MU दुआ, जो अपनी बात जो बेबाकी से रख रहे थे। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।